जिले के डोढ़र के पास महुनीमच रोड पर स्थित बांछड़ा डेरे पर स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर पहुंचे युवकों ने देह व्यापार करने वाली एक युवती पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। आरोपियों की कार टोल नाके पर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घायल लड़की को गंभीर अवस्था में जावरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। लड़की पर फायर करने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल बीती रात करीब 8 बजे सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर में सवार 4 अज्ञात युवक बांछड़ा डेरे पर पहुंचे थे। इन युवकों ने वहां मौजूद एक युवती पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया और कार में सवार होकर मंदसौर की तरफ भाग गए। रिवॉल्वर की गोली युवती के दाहिने कंधे की तरफ लगी है। युवती का इलाज जारी है और युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और किसकी जान के लिए हुई? ये थाना रिंगो क्षेत्र में डोडर चौकी के अंतर्गत ये गांव में पड़े हैं। यहाँ की सूचना आई थी किसी युवती पर किसी ने फायर किया है, जिस पर तत्काल थाना पुलिस ने अपना सारी चीज़ें लगाई हैं और बच्ची को अपना एडमिट करवा के उसका इलाज करवा रहे हैं। इलाज मतलब कोई अभी खतरे से बाहर है और आगे के इलाज के लिए उसको रतलाम रेफर कर दिया। उसमें पूछताछ के आधार पर का प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और आगे कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट आए हैं जिस पर हम इन्वेस्टिगेट करके आगे आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। वो डिटेल आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एकदम से कह पाना जब तक हमारी सारी कड़ियाँ ना जुड़ जाए तब तक किसी भी बिंदु पर पहुँचना जल्दीबाजी होगी। उसमें जब तक सारा हमारा इन्वेस्टिगेशन और अभी कोई अन्य ऐसी कोई एक लाइन नहीं है, हमारे पास सारी लाइन ओपन है। जैसा भी होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा।